सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हमने सोचा है व्लॉग करने का, तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग यहीं से। अभी जस्ट मंदिर आए थे, आपको दिखाया कैसा है पूरा। सो अभी हम जा रहे हैं मूवी देखने सुबह सुबह। आज आई नो दिवाली कल थी, तो आज 25th है। सो आज दो नई मूवी आई है, थैंक गॉड और राम सेतु, और हम हैं मूवी लवर भाई। फर्स्ट डे फर्स्ट देखना मंगता है। सो अभी हम यहाँ से दर्शन हो गए भगवान के मॉर्निंग में, अब हम जा रहे हैं डायरेक्ट नाश्ता करने। तो सब लोग पूछते हैं जलेबी फाफड़ा क्या होता है, तो आज हम दिखाएंगे आपको क्या होता है। ओके, तो अभी मिलते हैं डायरेक्ट नाश्ता पॉइंट पे। तब तक के लिए आप सिनेमैटिक एंजॉय करो रोड के, और अगर अच्छा लग रहा है तो मेक श्योर डेट आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। यार मेरे को भी मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा, और नए नए ब्लॉग्स हम लाते रहेंगे। सो मिलते हैं नाश्ता पॉइंट पे। तो गाइस देखो, ये रहा अपना ब्रेकफास्ट, जिसको आप गुजराती में कहते हैं गांठिया। तो सब लोग पूछते हैं गांठिया और जलेबी ये होता है, तो आप ये देखो कैसा होता है, बहुत मस्त है यार। गुजरात आओ तो ये टेस्ट करना। और सामने हमीसर का व्यू भाई, लेक का व्यू, और मस्त ये गर्मा गर्म नाश्ता, मीन्स नेक्स्ट लेवल। तो गाइस अभी नाश्ता करके आ चुके हम, पहुँच गए अपन मॉल पर। जैसे आप मेरे पीछे देख ही सकते हो पूरा मॉल यहाँ तक है। तो अभी चलते हैं मूवी पे। अभी कुछ टाइम हो रहा है 8:57 हो रहा है। सो अभी टाइम है 9:30 का मूवी है। तो बस घूमते टिकट विकेट लेते हैं, और आपको इधर का भी एक सिनेमैटिक देते कि मॉल में क्या क्या है यहाँ पे मॉल्स और क्या है। सो एंजॉय करो। तो गाइस देखो, डीमार्ट फैशन फैक्ट्री जो अभी नया खुला है, ये मोस्टली रिलायंस वालों का है, और इस पर बहुत अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है। तो जो लोग भुज में हो तो उनके लिए अपडेट यार, आओ शॉपिंग करो, डिस्काउंट भी अच्छा खासा है। वन सेंटर सेवन स्काई मॉल है, उसके अंदर बहुत कुछ है, बट अभी अंदर नहीं जा रहे हम, रिटर्न में जाएंगे। और ये रेड अक्षरों से लिखा आई लव भुज, ये अच्छी वाइब देता है, रात को बहुत मस्त लगता है यहाँ से व्यू। बाकी आप देख सकते हो क्रोमा है, यहाँ पर भी ट्रेंड्स है बट अभी बंद है फिलहाल। और यहाँ पर कुछ खाना ना हो तो खा सकते हो बाहर, बस वही। अबे कोई नहीं है मेरे अलावा, देख सकते हो कोई ज नहीं है। पहली मूवी अपनी राम सेतु है 9:30 से, और फिर अपनी है 12 बजे थैंक गॉड। सो दोनों मूवी देखते हैं, दोनों का आपको रिव्यू भी देंगे कैसी है, आप देखो कैसा देखना है कि नहीं देखनी, कौन सी देखो। सो चलो मिलते हैं अब अंदर, टिकट लेते हैं। ये स्क्रीन वन है, यहाँ पर स्क्रीन टू, और ये स्क्रीन थ्री है। अपना मोस्टली स्क्रीन टू में है, सो अभी जाएंगे ऊपर। आप देखो पूरा थिएटर कैसा है। अबे अपन अपनी जगह पे बैठ गए हैं, कोई नहीं है, पूरा ऊपर खाली है। आप देख सकते हो क्या ही मस्त सीट है, मज़ा आ जाता है यार बैठ के। इधर रिक्लाइनर नहीं दिया है, पता नहीं चेंज हो गया है, जब लास्ट मूवी देखने आए थे तब थी रिक्लाइनर, बट अब बट कोई नहीं, बहुत स्पेशियस है और मस्त है। सो अब देखते कब होता है स्टार्ट, और आपको पूरा डिटेल्ड रिव्यू बताएंगे मूवी का, क्या था क्या, कैसे क्या है, कौन सी देखनी चाहिए दोनों में से, और दोनों को रेटिंग देंगे बट अपने हिसाब से। और आप देख सकते हो पूरा थिएटर ये रहा, अभी कोई आया नहीं है, आएगा। ये नीचे भी पूरा सीट से देख सकते हो पूरा पूरी स्क्रीन, और ये रहा हम जहाँ पर बैठे हैं। ये सीट देखो यार, पहले ये वो थी, मीन्स ये सीधा हो जाता था, तो सोफ़ा की तरह यूज़ कर सकते हो, रिक्लाइनर जिसे कहते हैं, देखो होगा। बट मूवी सही है यार, यहाँ पे ये मस्त है भी मस्त है, इधर बैठ के आराम से मूवी देखो, इधर पॉपकॉर्न, इधर कोल्ड ड्रिंक्स, और सामने राम से तो। जनाब मैं कंट्रोल नहीं कर रहा था, कन्विंस कर रहा था।
सो गाइस अभी इंटरवल पड़ा है राम सेतु का, अभी तक तो बहुत मस्त पिक्चर है यार, पूरा इंटरेस्टिंग है, पूरा राम सेतु फ्लोटिंग स्टोन ढूंढ रहे, सो बहुत मस्त यार, देखना अभी तक तो मेरे को अच्छा लगा है, आगे का देखते क्या है। अभी जस्ट इंटरवल पड़ा है, हम घूम रहे हैं, अब जा रहे हैं वापस, सो आई होप अच्छा हो आगे का सीन। So, चलो अब स्टार्ट हो रहा है, फिर मिलते हैं लास्ट में मूवी एंड के बाद। 2 hours later. गाइस मूवी ओवर हो चुकी है और बहुत मस्त मूवी थी यार, देखने जैसी है राम सेतु, न्यू एक्सपीरियंस है बहुत। सो आई होप आप लोग देखो ये मूवी, बहुत मस्त है। और क्या बताओ यार, अक्षय कुमार की सब बोलते फ्लॉप जाएगी, बट दिस इज द व्हाट वी वांट, बहुत मस्त मूवी यार, देखना ज़रूर, 100 out of 100 यार, जो सीन्स जो स्क्रिप्ट बहुत मस्त है यार, आई होप आप सब जाओ देखने, ज़रूर देखना, मिस मत करना। और अब हो गया टाइम, कितना हुआ है, कुछ टाइम हुआ है 12 बजे 12:15 पे अपना थैंक गॉड है, अभी तो वही कंटिन्यू है, यही टिकट है हमारी। सो अब देखते हैं थैंक गॉड कैसी है राम सेतु, 100 out of 100 गाइस, मेक श्योर आप ये मूवी देखो, बहुत मस्त मूवी है, थिएटर में देखना, मोबाइल में डाउनलोड करके मत देखना, कोई फ़ायदा नहीं यार, ये मूवी देखने थिएटर में आना, क्योंकि इसमें जो सीन्स है ना के उसके, वो आपको मोबाइल में नहीं मज़ा आएगा। सो देखते अब थैंक गॉड का क्या रिव्यू है, राम सेतु मज़ा आ गया यार, 100% वसूल मूवी, पूरा पैसा वसूल। पर आप लोग हो कौन यार? ओह, शीज अप्सरा 1। हाय। शीज अप्सरा 2। हाय। एंड आई एम वाईडी। वाईडी? वाईडी। अरे वाईडी कौन यार? यमदूत। डिंग 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 डिंग। भूल गया? वेलकम। गाइस अब इंटरवल हुआ है, अच्छी है मूवी, कॉमेडी है, बहुत सारे अलग अलग सीन्स है, बट अच्छी है मूवी, देखने ऐसी है अभी तक तो, देखते आगे क्या है। बट इन कंपेयर टू राम सेतु ये मूवी थोड़ी डाउन है, राम सेतु अलग वाइब थी, इसकी थोड़ी अलग वाइब है, कॉमेडी है, फन मूवी है, बट अभी राम सेतु लीड कर रही है मेरे हिसाब से इंटरवल तक, इंटरवल के बाद देखते क्या होता है। 2 hours later. सो हेलो गाइस, हम ब्लॉग पूरा तो कर लिया था, बट उधर मैं आउटरो शूट करना भूल गया था, सो मैं अभी घर आया, जस्ट करा के याद आया कि आउटरो तो है ही नहीं, तो अभी आउटरो शूट कर लेते हैं। और थैंक गॉड का रिव्यू दिया ही नहीं कि थैंक गॉड अच्छी है, अच्छी मूवी है, फनी मूवी है, फैमिली के साथ जा सकते हो देखने के लिए, बट राम सेतु ज़्यादा अच्छी है थैंक गॉड से, ये मेरा मानना है, बाकी सबका जैसे जिसको अच्छी लगे यार, क्योंकि इस राम सेतु एक हिस्टोरिकल मूवी है और थैंक गॉड एक फनी मूवी है, ड्रामा मूवी। सो बस आज का व्लॉग हम इधर ही एंड करते हैं, और भी आगे आगे व्लॉग्स आने वाले हैं मेरे, और भी बहुत सारे प्लान हैं सोलो ट्रिप्स के, सो सोलो ट्रिप या फ्रेंड के साथ दोनों में होगा कुछ भी, तो लाइक कर देना, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में बताओ कैसा लगा ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।